हजरत मोहम्मद का जन्म सन 570 में मक्का में हुआ। उनके परिवार का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल पर प्रभुत्व था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समूह जो मूर्ति पूजक थे कबीलों के रूप में थे। हर कबीले का अपना देवता होता था। मक्का में काबे में इस समय लोग साल के एक दिन जमा होते थे और सामूहिक पूजन होता था। उन्होंने खादीजा नाम की एक विधवा व्यापारी के लिए काम करना आरंभ किया। बाद में उन्होंने उन्हीं से शादी भी कर ली। सन 613 में आपने लोगों को ये बताना आरंभ किया कि उन्हें परमेश्वर से यह संदेश आया है कि ईश्वर एक है और वो इंसानों को सच्चाई तथा ईमानदारी की राह पर चलने को कहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, पर मक्का के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई।